अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने जो है ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन देखी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखी वहां पर मैंने देखी हैं और वो सवालात वो देखे हैं जो कि लोग नॉर्मली लोगों से पूछ रहे होते हैं और परेशान होते हैं और थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनने जाते हुए। खैर वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, रिव्यू देता हूँ, आप लोगों को भी पसंद आएगी और उसके जो फीचर्स आपको अच्छे भी लगेंगे। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं DLS के नाम से, ड्राइविंग लाइसेंस सिंध के नाम से एप्लीकेशन। ये मैंने एप्लीकेशन ऑन की, ऑन करने के बाद साइन इन का ऑप्शन आ रहा है और गेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। साइन इन उस सूरत में करना पड़ेगा जब मुझे कोई कंप्लेन वगैरह लॉन्च करनी है या मेरा कोई इशू है, अदरवाइज ये एप्लीकेशन के इस एप्लीकेशन के ऑल फीचर्स तमाम फीचर्स जो हैं मैं इजीली एज अ गेस्ट जाके भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। चलिए जी मैं एज अ गेस्ट इसके अंदर चलता हूँ। गेस्ट पर मैंने क्लिक किया, अब जो है अंदर आके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर, लाइसेंस और वेरिफिकेशन है। बहुत सारे लोग जो है जाली लाइसेंस लेके घूम रहे होते हैं आजकल, तो आप लोग लाइसेंस वेरिफिकेशन यहाँ से इजीली कर सकते हैं। लाइसेंस फी है, एप्लीकेशन इंक्वायरी है, लाइसेंस हिस्ट्री है, ड्राइविंग थ्योरी, ड्राइविंग टेस्ट, लाइसेंस ब्रांचेस और ट्रैक योर लाइसेंस एंड वायलेशन चार्जेस, रिपोर्ट कंप्लेन, VR पुलिस, जैसे कंप्लेन के 5 टैब है, मैसेज, शेयर, एप्लीकेशन। इसके लिए आपको जो है लॉग इन होना पड़ेगा, आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए जी हम सबसे पहले चलते हैं लाइसेंस वेरिफिकेशन पे। लाइसेंस वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूं तो देखें ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ऊपर वाले पे, ये NIC पूछता है। अब हम कोई सा भी NIC डालेंगे, ये मैंने NIC डाला, सर्च किया, टायर आपका नाम, ये आपने कहाँ से लाइसेंस बनवाया, आपका लाइसेंस टाइप क्या है, फला फला ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैं अगेन मेन पे आ जाता हूँ। मेन पे आने के बाद सेकंड है लाइसेंस फी। लाइसेंस फी लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का माइंड बना के बैठे हुए होते हैं कि चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आके आप देख सकते हैं सबसे पहले लर्नर परमिट और IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अपन लर्नर देखेंगे, लर्नर में हम देखेंगे न्यू, 1 साल का ही होता है लर्नर जो होता है, वो सिर्फ 1 साल का ही होता है। प्रोसीड किया, अब ये जो फीस के लिए हमें, अगर मैं सिर्फ मोटरसाइकिल पे क्लिक करके कैलकुलेट करूंगा तो कितनी 215 रुपये फीस आ रही है, इतनी कम फीस सिर्फ मोटरसाइकिल की, लर्नर की। चलिए मैं मोटरसाइकिल कार देखता हूँ, मोटरसाइकिल कार इन दोनों पे क्लिक किया तो अब देखें 315 रुपये। और अगर मैं LTV भी देखता हूँ 415 रुपये। अब LTV का मोटर कार की जरूरत नहीं होती जब आप LTV कर लें, 315 रुपये, वेरी वेरी चीप। और इसी तरीके से आपको जो से भी लाइसेंस बनवाने हैं, हवाई जहाज, तो बिल्डोजर, आप इसी तरीके से अपना सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये लर्नर का था, अब मैं लाइसेंस फी देखता हूँ परमानेंट की। अब जो ये परमानेंट आ गया, इस पे आगे न्यू बनवाना है फॉर द 5 ईयर, मैंने प्रोसीड किया। तब ये मोटरसाइकिल कार एक नॉर्मली स्टैंडर्ड है ये, इसका देखिए सिर्फ 2313 रुपये फीस है, 5-10 रुपये होगी तो बैंक का चलान होगा उसकी। और इसके बाद अगर मैं LTV पे जाता हूँ तो LTV की भी 2313 रुपये। अगर इन तीनों पे मैं जाता हूँ तो कितने बनेंगे, हो सकता है आप लोग भी मेरे साथ ये एंजॉय कर रहे हो कैलकुलेट, 3513 रुपये। तो आप कार को माइनस कर दिएगा, सिर्फ वो ये चीज़ें करवाएं। अच्छा इसके अंदर रक्षा भी है, रक्षे की भी वही फीस है। खैर आपने फीस वाला मेन्यू देख लिया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपने जाने से पहले तमाम फीस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथे पे आ गया लाइसेंस हिस्ट्री, इस पे आके मैंने अगर NIC डालूंगा तो फिर मुझे बता देगा कि आपका लाइसेंस कब बना था, कब एक्सपायर हुआ, आप कितने बनवा चुके हैं, आपकी लाइसेंस की तमाम हिस्ट्री यहाँ पर शो करवा देगा। अगेन मेन पे आ गया ड्राइविंग थ्योरी, ये ड्राइविंग थ्योरी है कि मुझे जब गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए क्या सिग्नल्स क्या है, रूल्स क्या है, रोड के ऊपर चलने के रूल्स क्या है, तो वो यही है। ड्राइविंग थ्योरी के अंदर मैं आता हूँ, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, 2-3 जबानों के अंदर है ये। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, आप पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस एट एन इंटरसेक्शन व्हेन लाइट इज रेड, तो यस ऑब्वियसली। अच्छा यहाँ पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा, ये एंड में मुझे रिजल्ट बता देगा। अदरवाइज में जैसे यहाँ पर आके ये करेक्ट आंसर का नीचे ऑप्शन आया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बताया इसका आंसर है यस, तो मैं यस के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर सकता हूँ। ये एक जो है आप लोगों को बड़ा अच्छा सहूलत दे दिया, आप लोग कंप्यूटर टेस्ट पे देने से पहले खुद यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, जाने से पहले 4-5 दफा प्रैक्टिस कर लें, आपकी जिंदगी सवल जाएगी और आप जाके इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास कर लेंगे। इससे
चले जी, इसके नीचे मैं वापसी आता हूँ और इसके बाद नीचे जो है साइन थ्योरी भी है, रोड साइंस वगैरह भी होते हैं, रोड साइन भी अभी कंप्यूटर के अंदर ही पूछे जा रहे होते हैं। यहाँ पर आ गए, इसी तरीके से यहाँ पर एक कस्टम पुलिस का दिया हुआ है कि ये रुकने का है या नहीं है, बस ये साइन। तो वैसे ऐसा होता है कि कस्टम पुलिस की चौकी है, रुके नहीं, डायरेक्ट चले जाए। इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी करेक्ट आंसर का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो करेक्ट आंसर मुझको बता देगा। खैर अब मैं वापसी से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको मैं अगेन दिखा रहा हूँ टेस्ट थ्योरी। ये टेस्ट थ्योरी है, टेस्ट देने के लिए आप जाएंगे तो ये टेस्ट थ्योरी आपको मिल जाएगी। ये आप रीड करें और बिगिन टेस्ट, वो जो टेस्ट वहाँ पर आएगा वही टेस्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। आप लोग यहाँ से तैयारी करके जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा, इससे कबल के वहाँ पर जाके आप फेल हो फिर आपको अगेन फीस सबमिट करनी पड़े, तो बेहतर यही होगा आप यहाँ से 3-4 दफा ये प्रैक्टिस करें फिर जाएं। तो इसके बाद है लाइसेंस ब्रांच। लाइसेंस ब्रांच की लोकेशन है यहाँ पर। उसके बाद है ट्रैक योर लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, आने में कितना देर है, कहाँ है, प्रोसेस में है, प्रिंटिंग में है, प्रिंट हो चुका है, वॉट एवर, आप लोग इधर आएंगे ट्रैक योर लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे और आपका लाइसेंस पे को आप विद द NIC नंबर आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपके लाइसेंस की क्या लोकेशन है इस टाइम। और उसके नाम, उसके नीचे वायलेशन चार्जेस, जो रोडों के ऊपर चलान हो रहे होते हैं वो चलान लिखे हुए हैं कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल अगर मैं तोड़ूंगा तो 500 रुपए का चलान है, और लोडिंग के जो फाइंस हैं वो यहाँ पर मेंशन हुए हैं। और इसी तरीके से आपको जो है मैं एक और चीज दिखाऊं, ये न्यूज, ये ऊपर न्यूज का ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूज पे क्लिक करेंगे जो लेटेस्ट इनकी न्यूज चल रही है वो यहाँ पर आ जाती है, और फेसबुक पेज आया हुआ है। तो आपने खैर होप ये एप्लीकेशन एंजॉय की हो, अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो लाइक करें, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।